हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आप सभी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ खास है जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जो ओल्ड डिवाइस है वो लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। एंड जो अदर डिवाइस है जिनमें अभी तक रियलमी UI का अपडेट नहीं मिला है, वो लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा। बात की जाए ओल्ड डिवाइस की, तो ओल्ड डिवाइस में तो रियलमी UI का अपडेट नहीं मिलने वाला है, एंड ये ऑफिशियली कन्फर्म हो ही चुका है। ऑब्वियसली अगर रियलमी UI ओल्ड डिवाइस में नहीं मिलता है, सो जो चेंजेस है रियलमी UI के, जो फीचर्स है, वो भी ओल्ड में नहीं मिलेंगे। एंड कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत मुझे गलत लगता है। अपडेट मिलना चाहिए था ओल्ड डिवाइस में रियलमी UI का, बट ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, सो अभी अपडेट ओल्ड डिवाइस में तो नहीं मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं ये सही भी लगता है गाइस। अगर आप देखोगे तो कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी अपने सभी स्मार्टफोन्स के लिए लाइफ टाइम अपडेट रोल आउट नहीं करती है। कहीं ना कहीं जाके जो है सभी स्मार्टफोन्स के लिए अपडेट एक टाइम के बाद रोल आउट करना बंद हो जाते हैं। जो न्यू स्मार्टफोन्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके लास्ट में ओल्ड हो जाते हैं, एंड ओल्ड होने के बाद उनके लिए अपडेट रोल आउट नहीं किया जाता। एंड गाइस, ऐसा नहीं है कि ये U11, C12 के साथ ही हो रहा है। जो ओल्ड डिवाइस है उनके साथ ये हमेशा होता है। अभी जो इंडिया में न्यू लॉन्च हुए रियलमी के स्मार्टफोन, जैसे कि रियलमी X2 प्रो, रियलमी 5, 5 प्रो, 5i, जो भी गाइस सीरीज़ अभी न्यू लॉन्च हुई है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं जाके लास्ट में ओल्ड हो जाएंगी। सो उसके लिए भी अपडेट रोल आउट नहीं किए जाएंगे। तो ये प्रोसेस है गाइस, ये प्रोसेस चलते रहता है। जो न्यू है वो ओल्ड होगा, एंड ओल्ड होने के बाद अपडेट रोल आउट नहीं किया जाएगा। सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में बह जाओ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रियलमी UI के स्क्रीन लाइट इफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है? जो स्क्रीन लाइट इफेक्ट है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। जब भी आपके डिवाइस में कॉल, मैसेजेस या फिर कोई नोटिफिकेशन आती है, या फिर आपका फ़ोन ऑफ होता है, मतलब ऑफ हो जाने के बाद अगर कोई कॉल, नोटिफिकेशन, मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपके डिस्प्ले की बॉर्डर है वो ब्लिंक होने लग जाती है अलग अलग कलर्स में। आप मेनुअली जो है कलर्स वगैरह सेट कर सकते हो, जो आपको कलर पसंद है, जो आपको अच्छा कलर लगता है, आप उसे सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद क्या है गाइस, ऑटोमेटिकली कॉल के वक्त, नोटिफिकेशन के वक्त वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक होगा। सो इसी तरीके का ये ऑप्शन काम करता है आपके डिवाइस में। फिलहाल जो ये ऑप्शन है 3 प्रो एंड XT में अवेलेबल है रियलमी UI के साथ। ये ऑप्शन धीरे धीरे रियलमी के सभी स्मार्टफोन्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। सो मैंने इस ऑप्शन से मिलते जुलते बहुत से ऐप प्ले स्टोर पर ढूंढना चालू किया। बहुत से ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप देख लो, वहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी ऐप मिल जाएगी। बट उन सभी ऐप से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। कोई भी ऐप इस ऑप्शन जैसा काम नहीं कर रही थी। कुछ ऐप्स मुझे मिली बट वो आप लोगों को पसंद नहीं आती गाइस, उतनी अच्छी नहीं थी, वो ठीक से बराबर अपने डिवाइस में काम नहीं कर रही थी। बट मुझे एक सिंपल ऐप मिली जो आपके डिवाइस को कुछ इसी तरीके का मिलता जुलता लुक प्रोवाइड कर सकती है, कस्टमाइजेशन आपकी डिवाइस को वो दे। सो गाइस, ये है वो ऐप जो स्क्रीन लाइट इफेक्ट जैसा कस्टमाइजेशन आपके डिवाइस को प्रोवाइड करेंगी, एंड काफ़ी अच्छी ऐप है। मैंने पहले इसे यूज़ किया है, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ऐसी ऐप मिली जो आपके डिवाइस को सिंपल लुक प्रोवाइड करती है। तो इस ऐप का नेम है बॉर्डर लाइट लाइव वॉलपेपर। तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, लगभग 3 MB की ऐप है, ज़्यादा लंबी ऐप नहीं है, जल्दी से डाउनलोड हो जाएंगी। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे बस ओपन करना है। दोस्तों, ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको इंटरफेस बहुत ही नीट एंड क्लीन मिलेगा। सबसे पहले बॉर्डर लाइट इफेक्ट ऊपर लिखा मिलेगा, उसके बाद एक्टिवेट लिखा मिलेगा, एक्टिवेट पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले जो है आप डायनामिक वॉलपेपर प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो। मैं सेकंड ऑप्शन भी आपको बताऊँगा, बट सबसे पहले आप ये ऑप्शन समझ लीजिए। इसमें जो है गाइस आपको बॉर्डर पे इफेक्ट मिलेगा, एक लाइन मिलेगी जिस पे आपको अलग अलग टाइप के कलर मिल जाएंगे। सो हमें जो है अभी क्या करना है, सेट एज होम स्क्रीन पे टैप कर लेना है। उसके बाद जाना है बॉर्डर लाइट इफेक्ट में। दोस्तों, ऐप को फिर से ओपन करने के बाद जो आपको सेटिंग्स मिलेंगी वो कुछ इस टाइप की मिलेंगी, जहाँ पे आप कलर वगैरह अपने मन मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। जो आपको कलर पसंद आता है वो आप एडजस्ट कर लीजिए। देन उसके बाद जो है गाइस, आप एनिमेशन स्पीड वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। इसके ऊपर के जो 3 सेटिंग्स हैं उनमें आप छेड़खानी मत कीजिए, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। उसके बाद जो टॉप कॉर्नर है गाइस, उसे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। देख लीजिए कि ऊपर से जो है आपकी जो लाइन है वो परफेक्ट आपके नॉच के साथ मैच हो रही है या फिर नहीं। उसके बाद जो बॉटम है गाइस, उसे भी आप एडजस्ट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर लिया। देन नाउ दोस्तों, आपको यहाँ पे शो नॉच सेटिंग का एक नीचे ऑप्शन मिलेगा, उसे आपको टैप कर लेना है, एंड नॉच को आप सेट कर लीजिए कुछ इस टाइप का। अगर आपकी नॉच थोड़ी बहुत छोटी है तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। एक मिनट गाइस, मैं सेट कर लेता हूँ ताकि मेरी जो डिस्प्ले है वो पूरी तरीके से कवर हो जाए अपने बॉर्डर के साथ, एंड काफ़ी अच्छा लुक मुझे अपने डिवाइस में मिले। सो यहाँ पर जो है मैंने सब चीज़ें सेट कर ली है। उसके बाद जो है गाइस, अगर आप अपने डिवाइस को देखोगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको लाइनअप पे लाइट मिल जाता है। अब गाइस, ये जो काम है वो कुछ इस तरीके से करते हैं, आप देख पा रहे होगे।
जो होम स्क्रीन है गाइज़ उसमें जो है आपको बॉर्डर पे जो है लाइन मिल जाती है अपने कलर्स की, जो गाइज़ आपने कलर सिलेक्ट किए वो सभी कलर जो है आपको बॉर्डर पे मिल जाती है। गाइज़ आपको यहाँ पे अच्छा ये नहीं लग रहा होगा, बट अगर आप अपने डिवाइस में इसे ऑन करके इसे अप्लाई करने के बाद अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा लुक मिलता है। अगर आप सेटिंग वगैरह ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा एंड कोई भी इरीटेटिंग ये ऐप आपको नहीं करेंगी। बस यहाँ पर जो है आपको होम स्क्रीन पर ये लुक देता है जो काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी सिंपल है, जो आपको ज़रूर पसंद। देन नाउ दोस्तों, अगर बात की जाए बॉर्डर लाइट डायनामिक वॉलपेपर की, तो यहाँ पे जो है आपको फिर से ऐप को एक बार क्लियर ऑल डाटा करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है गैस आपको वही सेम इंटरफेस मिलेगा, उसके नीचे आपको एक्टिवेट लिखा मिलेगा, जिसमें से गैस आपको चूज़ कर लेना है डायनामिक वॉलपेपर सिलेक्टर। और उसके बाद गैस यहाँ पे कुछ आपको वॉलपेपर्स मिलेंगे जो डायनामिक है, लाइव वॉलपेपर है जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये सेम ऑप्शन गैस आपको मिलता है रियलमी यूआई के अपडेट में, जो गाइस आप यूज़ कर पाओगे अपने ओल्ड डिवाइस में। सो यहाँ पे जो है आपको जो वॉलपेपर पसंद आता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने ये वॉलपेपर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेट होम स्क्रीन वॉलपेपर, देन उसके बाद अगर गाइस आप पीछे देखोगे अपने वॉलपेपर पे तो वो लाइव वॉलपेपर है, डायनामिक वॉलपेपर है जो आपके डिवाइस को लाइव वॉलपेपर प्रोवाइड करता है एंड काफ़ी अच्छा लगता है। एक बार आप अपने डिवाइस में इसे यूज़ करके देखिए, ऑटोमेटिकली जो है गाइस यहाँ पे कलर चेंज होता है वॉलपेपर का। बहुत से आपको और वॉलपेपर मिलते हैं जो आप अपने डिवाइस में यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद अगर गाइस आप फिर से यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करते हो एंड उसके बाद अगर आप जो वॉलपेपर आपको पसंद नहीं आया है, अगर आप इस वॉलपेपर को सिलेक्ट करते हो एंड उसके बाद सेट एज होम स्क्रीन करते हो, तो आपका वॉलपेपर फिर से चेंज हो जाएगा। सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके डिवाइस में। जो मैंने ऐप आपको बताई है वो बहुत ही अच्छे से अपने डिवाइस में काम करती है, मुझे काफ़ी अच्छी ऐप्स लगी गाइस। बहुत से ऐप्स वैसे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बट जो ये ऐप है वो वन ऑफ द बेस्ट ऐप है जो आपको आपके डिवाइस में स्क्रीन लाइट इफेक्ट का थोड़ा बहुत फील आपको दे पाएगी। सो यार, इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही था। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलता हूँ गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।